महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की आज घोषणा होने वाली है। चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों को लेकर 3:30 बजे तारीखों का ऐलान करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस संबंध में बकायदा पत्र जारी कर जानकारी दी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पिछले दो विधानसभा चुनाव 2014 और 2019 में एक चरण में मतदान हुआ। 2014 में 15 अक्टूबर और 2019 में 30 नवंबर को वोट डाले गए थे। ऐसे में इस बार भी एक चरण में राज्य की सभी विधानसभा सीट पर मतदान की संभावना है। सरकार ने चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें लाडली बहना योजना और मुंबई में हल्के वाहनों के लिए टोल हटाने जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा, जबकि मदरसे के शिक्षकों की सैलरी भी बढ़ाई गई है। साथ ही राज्यों में सभी जगह कई बड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन और भूमि पूजन भी किए गए। महाराष्ट्र में विधानसभा में 288 सीटें हैं, जिनमें 33 अनुसूचित जाति और 14 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2019 के चुनावों में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा को 106 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी एक साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां एनसीपी को 53 और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार स्थिति कुछ और है। इस बार 4 प्रमुख पार्टी नहीं बल्कि 6 प्रमुख पार्टी 2 गठबंधन में मैदान में है। आज निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू होगी। उम्मीद है कि नवंबर में राज्य में मतदान होगा। इसके साथ ही झारखंड के चुनाव पर भी निर्वाचन घोषणा हो सकती है।